हेलो लर्नर्स, ये है आपका अपना चैनल कुसुम ऑनलाइन एकेडमी और आज हम करेंगे चैप्टर 2 संख्यामा ऊपर मुरलियाँ क्रियामा की एक्सरसाइज 2.7। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हल करो। क्वेश्चन है हमारे पास 117 डिवाइडेड बाय 13। ये जो निशान होता है वो डिवाइड का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 117 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, 13 का टेबल जो है वो मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। तो हमने ये डिवाइड करना है, यहाँ देखो दो डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे दो डिजिट्स देखेंगे। पर शर्त क्या है कि जो जैसे ये 13 है, 13 से बड़ा नंबर हमारे पास अंदर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी ये डिवीज़न हो पाएगी। अगर छोटी होगी तो आगे उसकी हम सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अंदर बड़ी डिजिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ 13 है, ये 11 छोटी होगी, तो अब हम ये थ्री डिजिट्स देखेंगे, टोटल देखेंगे 117। तो 13 का टेबल पढ़िए 117 तक, तो 13 नाइन्ज़ा 117 होता है। तो ये अब हम इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 7 ज़ीरो, 110110। तो इसका हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 117 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 डिवाइडेड बाय 15। तो इसे अब हम डिवाइड करेंगे, जो ये वाला नंबर होता है इसको हम बाहर रखते हैं और ये जो बड़ा नंबर होता है इसको हम करेंगे अंदर। तो अब 15 का टेबल पढ़ना है कि हमारा 135 से ज़्यादा ना जाए। तो 15 नाइन्ज़ा 135 होता है। अब इसे हम अगेन माइनस करेंगे, 550 330 110। तो ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया है। तो इसका हमारा आंसर आएगा 135 डिवाइडेड बाय 15 इज़ इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 डिवाइडेड बाय 12। तो फिर अगेन 12 बाहर, 72 अंदर। अब 12 कितने जा 72 होता है हमारे पास, तो 12 सिक्स जा 72, 72 माइनस 72 ज़ीरो। तो यहाँ हमारा आ जाएगा आंसर 6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 डिवाइडेड बाय 9। अगेन 9 बाहर, 108 अंदर। अब 9 कितने जा 108 होता है, या यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ टू डिजिट्स लेंगे हम, क्योंकि एक डिजिट 1 है, छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लेंगे। तो 9 वन ज़ा 9 माइनस, अब हम करेंगे 10 माइनस 9 1। अब हम 8 को उतारेंगे, 18 आ जाएगा, 9 टू ज़ा 18, 18 माइनस 18 ज़ीरो। तो इसका हमारा आंसर आ गया 12। ई क्वेश्चन 78 डिवाइडेड बाय 13। अगेन 13 को हम बाहर करेंगे, 78 को अंदर। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे कि 78 से ज़्यादा ना जाए या पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए। तो 13 सिक्स 78, 78 माइनस 78 ज़ीरो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 डिवाइडेड बाय 11। अगेन 11 हम बाहर करेंगे, 121 अंदर। अब यहाँ टू डिजिट्स हैं, यहाँ पे टू डिजिट्स देखेंगे हम, 11 वन ज़ा 11, 12 माइनस 11 1। इसको नीचे के उतारेंगे, 11 वन ज़ा 11 अगेन माइनस करेंगे, 0 हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 121 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन
140 डिवाइडेड बाय 20, अगेन 20 बाहर, 140 अंदर। अब 20 कितने जा 140 होता है, तो 20 को हम करेंगे 27 जा 140, अगेन माइनस करेंगे 0 0 0, तो इसका हमारा आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 डिवाइडेड बाय 16 अंदर करेंगे 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे 16 है, दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे दो डिजिट्स अगर हम लेते हैं तो 14 आ जाएगा, पर 14 क्या है, छोटा नंबर है 16 से, इसलिए हम थ्री नंबर्स इंक्लूड करेंगे। तो 16 का टेबल पढ़ना है कि 144 से हमारा ज़्यादा ना जाए, तो 16 9 ज़ा 144 होता है। अगेन अब हम इसे माइनस करेंगे, 4 4 0, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 को हम 98 से करेंगे, तो 14 कितने जा हमारा 98 होता है, 14 7 जा 98, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, तो इसका हमारा आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 डिवाइडेड बाय 17, अगेन 17, 119 को अंदर लिखेंगे, तो 17 कितने जा 119 होता है हमारा, तो 17 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 17 7 जा 119 होता है। माइनस करेंगे, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू 7। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये डिवीज़न के सम्स समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सेम एक्सरसाइज में। टिल देन, गुड बाय।